जिस घर में ये चीज़ होती है उस घर के वारे न्यारे निश्चित हैं, वो घर संपन्नता को प्राप्त होता है, वो घर पैसे वाला होता है, वो घर तरक्की करता है, उस घर में खुशहाली आती है, जो चाहे वो अर्जित कर सकता है मनुष्य, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये चीज़ अपने आप में वर्क करती है। ये जिस जगह पर होती है वो संपन्नता को प्राप्त होता ही होता है। ये जगह जागृत करने वाली वस्तु है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या चीज़ है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है। अगर आज आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं आपको देती हूँ जिससे आपका बहुत फ़ायदा होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो जाते हैं टोटली और फाइनेंशियल डेवलपमेंट होने लगता है। फाइनेंशियल स्टेटस आपका ऊंचा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की वाला होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि इसी तरह की जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं और आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। परामर्श की प्रक्रिया बहुत सरल है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, ये जो चीज़ है ये दिवाली पूजन का अनिवार्य अंग होता है। दिवाली की पूजा यानी माँ लक्ष्मी की पूजा यानी धन की देवी की पूजा, तो इसमें इसको ज़रूर पूजन सामग्री के रूप में, वन ऑफ द पूजन सामग्री के रूप में हम पूजा में काम में लेते हैं। वैसे तो ये विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में काम में आती है। सस्पेंस ख़त्म करती हूँ और आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। मित्रों, ये जो चीज़ है कपास है, हम देशी भाषा में उसको कपाशे बोलते हैं, राजस्थान में कपाशे बोलते हैं। ये कपास है, इसका कपड़ा बनता है आपको पता ही है, लेकिन कपास का पेड़ होता है और जिस घर में कपास का पेड़ होता है और उसके नीचे कोई व्यक्ति दीपक जलाता है तो वो उसकी उन्नति दिन दूनी रात चुगनी होती है। ये इतना कमाल का पेड़ है और ये इजीली लग भी जाता है, थोड़ी केयर करनी ज़रूरी होती है लेकिन लग जाता है कपास का पेड़। तो कपास का पेड़ उन्नति का प्रतीक है, तरक्की का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। तो कपास का पेड़ आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ये ना कर सको तो कपास पूजा सामग्री के रूप में अवश्य ही दिवाली की पूजा में रखना चाहिए। वैसे तो किसी भी पूजा में आप इसको रख सकते हैं, आप अपना डेली दिया जो जलाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कपास बहुत उन्नति को देता है, सफलता देता है जीवन में, आपके घर के सदस्यों को पॉजिटिविटी देता है, नेगेटिविटी दूर करता है। जिस आंगन में कपास का पेड़ होगा वो घर पैसे वाला ज़रूर बनेगा। कपास का पेड़ आप गमले में भी लगा सकते हो, कपास का पौधा आप गमले में भी लगा सकते हो, वो भी इतना ही वर्क करेगा, क्योंकि जगह के हिसाब से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो आप शगुन का ही सही कपास का पौधा अपने घर में लगाइए और उसके आगे डेली तुलसा जी के जैसे दिया लगाते हैं ना आप, सफ़ेद आंकड़े के समक्ष दिया लगाते हैं, केले के पेड़ के समक्ष दिया लगाते हैं। केले का पेड़ हालांकि घर आपके आंगन में नहीं होना चाहिए, बाहर हो सकता है, तो केले के पेड़ के अगर आप दिया लगाना है तो मंदिर जाके लगाएं। ये जो है कपास, जो है कपास का पेड़ जो है या पौधा है, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र ग्रह के समान ही आपको भौतिक संपदा मिलने लगती है, आपके पास पैसा आने लगता है, नोट ही नोट बरसने लगते हैं। अगर आप मेहनती हैं और भाग्य के धनी हैं तो आपको पैसे वाला करोड़ों अरबों की संपत्ति बनने से कोई वंचित नहीं कर सकता। आपके पास कहीं से भी आए पैसा ज़रूर आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो शेयर भी करें जिससे सबका भला हो सके, सबको
पैसा आ सके सबके पास, गरीब भी अमीर बन सकें और अमीर बन सकें, जिससे सबको पैसे का फ़ायदा हो। तो वीडियो की जानकारी शेयर ज़रूर किया कीजिए। कमेंट सेक्शन का मुझे इंतज़ार रहता है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे लुभावने लगते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में आके जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और ओम नमः शिवाय जैसे पवित्र नामों का जयकारा अवश्य ही किया कीजिए। पवित्र नामों की जय जयकार करने से हमारी खुद की एनर्जी पॉजिटिव होती है। अब परामर्श संबंधी प्रक्रिया जान लेते हैं। हमसे परामर्श लेने के लिए, यानी मेरे हस्बैंड से परामर्श और मुझसे परामर्श लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिलती है, उसके थ्रू आप सारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मेरे हस्बैंड लामा फेरा करते हैं, रेकी हीलर हैं और एंजल हीलिंग करते हैं। मैं जन्मपत्री देखती हूँ, पामिस्ट्री करती हूँ और वास्तु दोष भी दूर करती हूँ। मुझे 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, मेरे इस अनुभव का लाभ आप उठाइए। मैं पैसे से संबंधित और भी वीडियो आपको बना के बताऊंगी, जिससे आप धनवान बन सकें और पैसे की दिक्कत आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आए। जन्मपत्री का दूसरा जो भाव होता है वो धन भाव होता है और 11वां भाव जो लाभ भाव होता है। इन दोनों ही भावों को आप बलि कर सकते हैं। इंडिविजुअल कुंडली में इसके प्लैनेट अलग अलग होते हैं, तो आप भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी कौन सा है और 11वें घर का स्वामी कौन है। इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करके आप पैसे वाले बन सकते हैं, आप माला माल बन सकते हैं। ऐसे उपाय मैं बताती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।